स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के गिलोला थाना क्षेत्र अंतर्गत से है, जहाँ यनियच हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बिलोरो ने बाइक सवार दो व्यक्तियों को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें दो लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलोला में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का उपचार किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर के पास कमलिया कस्बा के NH हाईवे 730 पर बहराइच की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बिलोरो ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी और साथ ही रोड पर खड़ी चार बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर डायल 112 हुआ। स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है, बिलोरो और ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यह भीषण दुर्घटना देख वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ड्राइवर और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और इलाज के लिए घायलों को भेज दिया गया है। महाराज चले आए, हम गोहरावा की उधर पर उठो उठो सब मर के कहा तो उधर पर न बिरी लगाए न क्लच पर पैर धरे, फिर गाड़ी अपने मन से करवटिया सीधी हो गई, वहाँ पर खोल कर गया हम उतारा और वही में पूरी पूरा खड़ा है कोनो नहीं किसी की ब्रिक पर क्लच मारी। ये बोलेरो किधर से आ रही थी और सब गाड़ियाँ खड़ी थी, वो कहाँ थी? ये पच्छू से आ रही थी, पूरब का जा रही थी। अच्छा, जो गाड़ी खड़ी थी सब वो सब किनारे साइड में गाड़ी ठाल। लोग कैसे चोटिल हुए? उनका सीधा सीधा मारा चला आया, कोई गाड़ी वाले का ब्रिक नहीं लगाई सी कि ब्रिक लगाई सो कितनी गाड़ी है, कितनी गाड़ी है सबका मारा चला कितनी लगाई, कितनी गाड़ी और कितने लोग घायल हुए? ये कम से कम दो लोग घायल है और पांच गाड़ी बिल्कुल एकदम बेकार कह दी। एक गाड़ी तो बिल्कुल बनने वाली नहीं, तीन गाड़ी चार ही तो बन जाएंगे। अभी अभी जो सड़क हादसा हुआ है इसके बारे में क्या है, कैसे क्या है, पूरा मामला बताइए। ये बहराइच से बोलेरो वाला आ रहा था, इसकी स्पीड लगभग 100 के करीब ऊपर थी। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ी साइड में हम लोग मम्मी की दवा कराने के लिए यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ आए हुए थे और ये बोलेरो वाला इतनी तेज से गाड़ी यहाँ मारा है कि पांच मोटरसाइकिल को सीधे लेकर के चला गया। अच्छा, कोई मतलब और इसके बारे में क्या, कोई चोटिल वोटिल भी हुआ है? दो व्यक्ति चोटिल हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है। अच्छा, आपका भी कोई नुकसान? हमारी एक मोटरसाइकिल जो अभी नई 3-4 साल पुरानी थी वो भी चली गई है, पूरा बेकार हो गई है, बनने के लायक नहीं है। अच्छा।